नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एसेंशियल एलिमेंट्स के कुछ बारीकियों को पढ़ेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स को हम चार तरीके से देख सकते हैं, एक क्वांटिटी के आधार पर, एक मोबिलिटी के आधार पर, दूसरा मोबिलिटी इन प्लांट्स और चौथा फंक्शन के आधार पर। अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में हम दो भाग में बांट सकते हैं इसको, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और वो लार्ज क्वांटिटी कितनी होगी? एक से लेकर 1000 मिलीग्राम पर ग्राम में अगर वो लिए जाते हैं तो वो मैक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और अगर 1 मिलीग्राम पर ग्राम से कम है तो वो किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, मैक्रो को हम तीन तरह से और पढ़ते हैं, पहला है बेसिक, दूसरा है प्राइमरी और थर्ड है सेकेंडरी। बेसिक वो होते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था, CHO, ये दोनों 45% होते हैं ईच, ये 6% होती है हाइड्रोजन। उसके बाद आता है प्राइमरी, जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए उसमें आते हैं NPK, इनको फर्टिलाइज़र एलिमेंट्स भी कहते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको। फिर है सेकेंडरी एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ये भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए लेकिन प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट से कम मात्रा में चाहिए, और ये फर्टिलाइज़र के साथ जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनसे भी इनकी पूर्ति हो जाती है, या फर्टिलाइज़र से भी इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है मोबिलिटी के आधार पर एसेंशियल एलिमेंट्स का पता करना कि वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मोबिलिटी सोयल के आधार पर, तो सोयल में कौन सा मोबाइल होगा? जितनी एनायंस होंगी मोस्टली वो सारी मोबाइल होती है, क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल होती है। तो पहली बात, इनमें ये सोल्यूबल रहेंगी तो ये क्या करेंगी? एब्जॉर्ब नहीं होती सोयल के पार्टिकल्स के साथ, नहीं होती, तो इसका मतलब लूजली बाउंड रहती हैं, तो आराम से एक दूसरी जगह चली जाती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। ये दूसरा आता है लेस मोबाइल, इसमें सारी के सारी मोस्टली कैटायंस आती हैं। अगर आपके पास मोटे मोटे कैटायंस का नाम ध्यान हो तो आप ये समझ लीजिए कि लेस मोबाइल होते हैं ये। अब ये लेस मोबाइल होते, इसका मतलब क्या हुआ? ये सोल्यूबल तो हैं, ऐसा नहीं है कि ये उनकी तरह इमोबाइल हों या फिक्स्ड हों, तो ये लेकिन ये एब्जॉर्ब होते हैं क्ले कॉम्प्लेक्स के साथ, और इसलिए ये कम मूव कर पाती है, इनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लेस मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। फिर होते हैं इमोबाइल। इमोबाइल कौन सा होगा? जो हाईली रिएक्टिव होगा, यानी कि जिसकी रिएक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो क्या होंगे? वो क्लोजली बाइंड रहेंगे, टाइटली बाइंड रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे सोयल पार्टिकल्स के साथ, और जो फिक्स्ड रहेंगे उनको मूव करना बहुत मुश्किल है। HPO4-2, जिंक कैटायन, ये क्या होती हैं? हाईली इमोबाइल होती है सोयल के अंदर, जिनकी डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिलती है। हम कहते हैं DAP को ज़मीन के नीचे बिजाई करना चाहिए ताकि रूट्स वहाँ से ले ले, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है, हाईली रिएक्टिव है। जिंक की डेफिशिएंसी आजकल बहुत सीरियल बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम में दिखती है। उसके बाद आती है मोबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर कैसे मूव करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये चार तरीके से हो सकता है, हाईली मोबाइल, मॉडरेटली मोबाइल, लेस मोबाइल और इमोबाइल। ये एक मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें बड़े क्लियरली आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके ऊपर। अब ये हाईली मोबाइल कौन से होते हैं? जो प्लांट्स के अंदर एक्युमुलेट बहुत जल्दी होते हैं, और जल्दी ही अगर डेफिशिएंसी आती है तो अपने आप को वो प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ मूव कराते हैं, इसलिए ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं? हाईली मोबाइल। मॉडरेटली मोबाइल जो इनके बाद जिनका मूवमेंट कम होता है, NPK से तो जिनका कम होता है, बाकी लेस मोबाइल से ज़्यादा होता है, तो उनमें एग्जांपल आते हैं जिंक का। लेस मोबाइल यानी बहुत थोड़ा मूव करते हैं, तो मोस्टली माइक्रोन्यूट्रिएंट है इसकी श्रेणी में आते हैं, सल्फर है, आयरन है, मैंगनीज है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है और कॉपर है, ये थोड़ा मूव करते हैं। और इमोबाइल क्या होगा? कैल्शियम और बोरोन इसके एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये प्लांट के टॉप पोर्शन में मिलेगा, तो इस प्रकार इनको नीचे मूव नहीं कर सकते, तो इनको क्या कहते हैं? इमोबाइल एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स कहते हैं।
अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन द फंक्शन। अब फंक्शन में क्या होता है, तीन बड़े फंक्शन होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, एक स्ट्रक्चरल का, एक एक्टिव एनर्जी का, एक्टिव एलिमेंट्स का, और दूसरा एंजाइम एक्टिवेशन का। तो स्ट्रक्चरल कौन से हो गए, ये बेसिक एलिमेंट्स है जो प्लांट को स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, और इसलिए इनको बेसिक और स्ट्रक्चरल दोनों कहते हैं। इसमें सबको पता है कौन कौन सी है, CHO, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की बात ही नहीं। एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो प्लांट के अंदर एक्टिविटी को गवर्न करता है, जो उसको ताकत देता है। तो ATP सिंथे, ADP, NADP, ऑयल कंटेंट, उसकी ग्रोथ, तीनों किससे डिपेंड करती हैं, एनर्जी देती है मूव करने के लिए। तो इसके एग्जांपल है नाइट्रोजन, सल्फर और पोटास। तो इनका पहला काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, ट्रांसफ़र करने में किसको, फोटोसिंथेसिस को, एक स्थान से दूसरे में। और तीसरा है प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, इसका एग्जांपल है मेन सल्फर। तो ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट की एक्टिविटी को हाईली गवर्न करते हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन यानी मोटा, इसमें कई जगह कहा जाता है आयनिक एक्सचेंज करने में जो एलिमेंट्स काम करते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन एंजाइम कहलाते हैं। एक मेजर प्राइमरी न्यूट्रेंट जिसको पोटास है, उसके बाद जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेशन के एग्जांपल हैं। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी एसेंशियल एलिमेंट्स की आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, उनको भी समझ लीजिए उसमें होता क्या है। पहला है डेफिशिएंसी रेंज। डेफिशिएंसी रेंज वो होती है जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सफिशेंट नहीं होते, तो वो क्या कहलाती है, डेफिशिएंसी रेंज कहलाती है। और इसके अंदर प्लांट क्या करता है, सिम्टम्स शो करता है और ग्रोथ, डेवलपमेंट और यील्ड तीनों डिक्रीज होती हैं। तो ये क्या हालत कहलाती है, डेफिशिएंसी रेंज कहलाती है। अगर कहीं आ जाए क्रिटिकल रेंज, क्रिटिकल रेंज उस रेंज को कहते हैं जहां हम न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं उसके साथ साथ यील्ड इंक्रीज होती है, तो क्या कहलाती है, क्रिटिकल रेंज कहलाती है। और उसके बाद आती है सफिशेंसी रेंज। सफिशेंसी रेंज वो होती है जिसमें हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं प्लांट के अंदर, क्योंकि क्रिटिकल स्टेज से ऊपर हो गया, सफिशिएंसी का मतलब ज़्यादा, तो हम प्लांट को न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं और यील्ड इंक्रीज नहीं होती है उसके बराबर, तो इसका मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट तो ले रहा है लेकिन उसके बराबर में यील्ड नहीं बढ़ा रहा, तो इसको क्या कहते हैं, लग्जरी कंजम्पशन कहते हैं। और लास्ट में आती है टॉक्सिसिटी रेंज, यानी टॉक्सिसिटी का मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें खाने के लिए कुछ ज़्यादा दिया जाए तो हमें, हमारे अंदर फैट्स बढ़ते हैं, मोटापा बढ़ता है, उसी प्रकार कोई चीज़ हद से ज़्यादा यानी क्रिटिकल रेंज से ऊपर सफिशेंसी रेंज आने के बावजूद भी हम अप्लाई करते हैं तो वैसे स्टेज आती है जो प्लांट को वो न्यूट्रिएंट फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करता है, उस रेंज को क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी रेंज कहते हैं। इसका मतलब प्लांट के अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं वो टॉक्सिन के रूप में, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरे का नुकसान करेगी। अब कहाँ तक ये रेंज हो सकती है, हमारे पास मोटी मोटी किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की। इसमें एक तो लो क्वांटिटी होगी, दूसरी मॉडरेट या मीडियम, और थर्ड है हाई, यानी इस इन रेंज के बीच में होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कार्बन लगभग कितना, अगर वो 0.5% से कम है तो वो लेस है, वो सोयल डेफिशिएंट है। अगर 0.5 से लेकर 0.75 तक है तो वो मीडियम है, अगर 0.75 से ज़्यादा है तो वो सोयल रिच है ऑर्गेनिक कार्बन के मामले में। दूसरा आता है नाइट्रोजन, 240 kg/ha से कम है तो वो सोयल डेफिशिएंट कहलाती है, यानी उसके बाद आती है मॉडरेट रेंज। अगर 240 से 480 तक होती है तो वो मीडियम सोयल्स होती हैं, अगर 480 से ज़्यादा है kg/ha कैपेबिलिटी है नाइट्रोजन की तो वो सोयल क्या कहलाती है, हाई या न्यूट्रिएंट रिच कहलाती है नाइट्रोजन के मामले में। फिर है फास्फोरस की, अगर 11 kg/ha से कम है तो वो सोयल लो है, अगर 11 से 23 के बीच में है तो मॉडरेट है, अगर 23 से ज़्यादा है तो वो सोयल हाई है फास्फोरस के मामले में। उसके बाद आता है पोटास का, 110 kg से K2O कम है तो क्या कहलाएगी, वो सोयल पोटासियम में डेफिशिएंट कहलाएगी। 110 से 280 तक है
तो मॉडरेट, और अगर 280 से ज़्यादा है हमारे पास केजी पर हेक्टेयर अवेलेबिलिटी तो सोयल हाई होगी, रिच होगी पोटाशियम के मामले में। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इमोबाइल मोबाइल और मॉडरेट इमोबाइल प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, तो वो कैसे होते हैं। मान लो ये प्लांट्स है आपका, कोई प्लांट है, ये लीव्स हैं, तो कैसे कैसे सिम्टम्स शो करते हैं। तो जो पहले हमने पढ़ा था हाईली मोबाइल यानी NPK, ये नीचे वाली पत्तियों में मिलते हैं। जब प्लांट को स्ट्रेस होती है तो ये पत्तियां सबसे पहले पीड़ी होती हैं, तो ये ऊपर की तरफ सप्लाई हो जाती हैं ताकि और सारे ग्रोथ डेवलपमेंट के काम हो सके। तो ये कैसे न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे, हाईली मोबाइल इन प्लांट्स। क्यों, प्लांट्स को जब मरने की नौबत आती है तो सबसे पहले नीचे वाले पत्तियों को झाड़ता है, उसके बाद आते हैं मॉडरेटली मोबाइल। उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर लेस डेफिशिएंसी शो करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो ये भी मूव करते हैं, तो उससे ऊपर वाली पत्तियों को झाड़ते हैं, पीली होकर गिरती हैं। इसमें आयरन है, सल्फर है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को प्लांट्स के अंदर बहुत कम मूव करते हैं। और उसके बाद आती है टर्मिनल बड्स में वो कैल्शियम और बोरोन। अब सबसे वेजिटेटिव ग्रोइंग पार्ट्स में, फ्रूटिंग बॉडी में, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो क्योंकि सबसे टॉप पार्ट में होते हैं तो ये मूव नहीं करते, तो ये इमोबाइल होते हैं प्लांट के अंदर दोनों के दोनों। मेरे ख्याल में अब समझ में आ गया कैसे, क्यों ये हाईली मोबाइल होते हैं, मॉडरेटली होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं और इमोबाइल होते हैं। अभी हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि प्लांट के अंदर कुछ डेफिशिएंसी होती है, सिम्टम्स होते हैं, ईंधन अंगर होती है, वो कैसे होती है। मान लो ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास ग्रोथ का पैटर्न है, यील्ड का पैटर्न है, जो भी आप कहो, ग्रोथ कहो, यील्ड कहो। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स अगर कम होंगे, जीरो स्टार्ट करेंगे, तो ये ऐसी स्टेज आएगी जहाँ सिम्टम्स शो करेगा प्लांट, ठीक है। फिर हम न्यूट्रिएंट इंक्रीज करते गए तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर सिम्टम्स डिक्रीज हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, लेकिन प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी होती है, वो मान लिया इस तरह की, इसको कहते हैं हिडन हंगर। अब इसमें प्लांट क्या करेगा, जब प्लांट उगता है, रूट छोटी होती हैं, सूट छोटी होती है, लीफ ज़्यादा फंक्शनल नहीं होते, तो सिम्टम्स शो करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है रूट सूट सिस्टम, वो नीचे से हार्वेस्ट करता है और उसके अंदर से वो सिम्टम्स डेफिशिएंसी के चले जाते हैं, और फिर स्टेज आती है प्लांट्स के अंदर हिडन हंगर की, जहाँ पर प्लांट लगता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर हिडन हंगर होती है। फिर और हम न्यूट्रिएंट्स की एप्लीकेशन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर प्लांट अपनी क्रिटिकल स्टेज में आ जाता है, और जब वो क्रिटिकल स्टेज होती है वहाँ पर ऑप्टिमम यील्ड आती है, या मैक्सिमम यील्ड कह सकते हैं, और उसके बाद जो आती है वो लग्जरी कंजम्पशन आती है, और उसके भी बाद अगर हम सप्लाई करते हैं तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब मेरे ख्याल में एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इससे ये पता चलता है हमें कि प्लांट कब सिम्टम्स शो करेगा, कौन सी हिडन हंगर होगी, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट होगा, कौन सा लग्जरी कंजम्पशन होगा, और कौन सी टॉक्सिसिटी होगी। बिछड़ कर सजन तुझसे कहाँ जाऊँ, ऐसे हालात में हाले बेजार सुनाने कहाँ जाऊँ, एक तू है कि मुड़ के देखता भी नहीं, सजदों का लहू है छुपाने कहाँ जाऊँ, तपता है जिगर कहीं आग सुलगती है, ऐसे हालात में खुद को बचाने कहाँ जाऊँ, तेरी नज़रों से जो छूटे अशकों के तारे हैं, दिले नादान मैं अब ये अंबर सजाने कहाँ जाऊँ, कहूँ बदनसीब या कहूँ बेवफा किस्मत, बाहर तूफान है दिया जलाने कहाँ जाऊँ, कई मायनों में है तू मेरे जहन में शामिल, कई मायनों में है तू मेरे जहन में शामिल, बता यार मैं अब खुद को ढूंढने किधर जाऊँ, बिछड़ कर तुझसे अधूरा है हर कारवां, ऐसी वीरानगी में माही मैं घर तेरे बिना कैसे जाऊं। तो दोस्तों इसी के साथ एसेंशियल एलिमेंट्स के लगभग सारे पॉइंट्स हम एक बार कवर कर चुके हैं, इसके बाद इंडियन सोयल्स और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।